नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा शुभम शर्मा है और मैं प्रिज्म सक्सेस एकेडमी ग्रुप के साथ काम करता हूं। और आज हम आए हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के पास, एक गांव पड़ता है दादूपुर। दादूपुर गांव के अंदर हमारे पास हमारे किसान मित्र हैं शेखर जी, जो हमारे को लगभग आज से एक साल पहले मिले थे। और उन्होंने पिछले साल जीरी के अंदर, धान की फसल के अंदर, हमारे धक्का करने की वजह से एक एकड़ में एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट हमारा इंडिया एग्रो का किया था और उनको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो आज उन्होंने अपने सभी खेत के अंदर, उनके पास लगभग 6 से 7 एकड़ जमीन है, सभी खेत के अंदर गेहूं के अंदर उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये सारी फसल जो आप देख रहे हो लाइन में, उन्हीं की है। हम आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से उनके खेत खड़े हैं और किस प्रकार की उनके जो दाना है वो है, किस प्रकार की बाल है। एक बार नैन्सी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएंगे। मतलब एक हेक्टेयर 2.5 किले का हो। नमस्कार जी शेखर जी। नमस्कार जी सर जी, नमस्कार। ये हमारे शेखर जी हैं और सुखविंदर जी भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये जगदीश जी हैं हमारे और अंकल जी हैं यहाँ पे, और सतबीर जी भी प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे वो खेत हैं और ये हमारे किसान मित्र हैं जिन्होंने ये ट्रीटमेंट हमारे से लिया था। और एक बार थोड़ा सा ये खेत दिखाएंगे आगे आके सारे के सारे। तो ये सारे खेत यहाँ से लेके उस ट्यूबवेल तक शेखर जी के हैं, सभी में हमारा इंडिया एग्रो का ट्रीटमेंट डला हुआ है। तो मैं शेखर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इधर आएंगे, एक बार बताएंगे शेखर जी कैसे कैसे आपने इसमें ट्रीटमेंट डाला है और किस प्रकार का आपको रिजल्ट इसमें महसूस हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। जी सर, मेरा गांव दादूपुर खुर्द है जी, जिला करनाल तहसील नीलों के। जी सर, मेरे ये भाई है सतबीर सिंह जी, गाँव रंबा से जी। भाई साहब की देख रेख में सबसे पहले इन्होंने मेरे को प्रेरित किया। आपको प्रेरित? हाँ जी हाँ जी। मैंने 1509 धान लगाई थी सर, 2 एकड़ जी। तो मैं तो मना कर रहा था कि वही अपना रवैया पहले ही जैसे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं है सूरदन से। भाई साहब ने मेरे साथ जिद करके बोले भाई, मेरे कहने से आप 2 एकड़ जमीन में ये अपना प्रोडक्ट डालो। जिद करके आपने धान के अंदर लिया? हाँ जी। धान के अंदर आपको कैसा रिजल्ट मिला? मेरे को धान में सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, 27 क्विंटल प्रति एकड़ आउटपुट इनकी धान में आई थी, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। 1509 धान में। फिर आपने विश्वास करके गेहूं में सभी एकड़ में? गेहूं में सर मैंने ये 4 एकड़ फसल है मेरी, सभी में डाल रखा, इसमें सभी में डाल रखे हैं। बहुत अच्छी। तो इसमें आपको क्या लगता है अभी के हिसाब से? सर ये तो आपको साक्षात को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, तो दिख ही रहा है। इनके आसपास के जो यहाँ के किसान है, हम आपको इसके और सबसे बड़े सर मेरे चाचा जी हैं। आओ अंकल जी भी आओ। अंकल जी चलो आप आए। इन्होंने देखे सर, इनको तुम्हारे से ज्यादा तजुर्बा, ये यही बोले भाई बहुत अच्छी गेहूं। आपको क्या लग रहा है अंकल जी गेहूं में? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्क नजर आ रहा है आपको कुछ दूसरी फसलों के लिए? ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। हम आपको बता दें डियर फ्रेंड्स, हमने जो इसका ट्रीटमेंट किया है वो प्रॉपर इंडिया एग्रो के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ किया है। और ऐसी हमारी विडंबना है कि अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, जैसे आपने सुना भी होगा अंकल जी, कि ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो झाड़ कम हो जाता है, आउटपुट कम हो जाएगा। सब कभी रहे हैं, लेकिन हमने आपके सामने है कि हमने आउटपुट भी कम नहीं हुई है किसान की और फसल भी ऑर्गेनिक हुई है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। इसमें शर्मा जी मैं थोड़ी आपकी बात रोकूंगा। जी सर, जैसे ये झाड़ वाली बात थी ना जी, इसी को लेकर मेरे मन में भी थोड़ा डेंट था जी। और जैसे मगर झाड़ वाला बिल्कुल, झाड़ भी एकदम मतलब यील्ड बिल्कुल कम नहीं होती, इससे झाड़ भी बढ़ती है जी सर। और जमीन की सेहत भी सुधरती है। हाँ, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो आपका है वो बढ़ता है, और अगर आप 2 से 3 साल तक इसी तरीके से अपनी फसल को करोगे तो आपका ऑर्गेनिक लेवल बैलेंस हो जाएगा। अब हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। बीच में डोल है, इधर एक एकड़ है, इधर एक एकड़ है। हम दोनों की जो एक बाल है वो लेंगे। ये तो उसको नहीं है सर, इससे कंपेयर कर लो, देख लो। ये जो खेत है ये विदाउट इंडिया एग्रो प्रोडक्ट है, इसमें केमिकल डला हुआ है, और ये सारे के सारे हमारा ट्रीटमेंट जो है वो डला हुआ है। तो हम एक बार बाल लेके आएंगे सतबीर जी, एक बार बाल लेके आएंगे। ये पेस्टिसाइड वाली बाल है और ये इस खेत की है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो ये इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट्स की बाल है, और ये जिसमें पेस्टिसाइड और केमिकल डला हुआ है वो बाल है। इसमें अगर हम देखें तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि पेस्टिसाइड वाली बाल को पोलियो रखा है, और ये बहुत सेहतमंद है। जैसे हमारे पहलवान जी सेहतमंद है, ऐसे ही ये बाल सेहतमंद है इनके खेत की। तो मैं सतबीर जी से चाहूंगा कि एक बार इनके दाने भी थोड़े से निकाले, हम दाने का साइज भी एक बार देखते हैं। निकाला हुआ था ये जो दाने हैं, ये दाने हैं ऑर्गेनिक खेत के,
अगर इन दानों को ध्यान से देखें तो हमने कंपैरिजन किया था, हमारे जो ट्रीटमेंट जिस खेत में डला हुआ है उस खेत के अंदर एक बाल से, इनका ऐसा मानना है 94 दाने निकले। हाँ जी, 94 दाने सर, 94 दाने एक बाल से निकले हैं, और जिसमें पेस्टिसाइड डला हुआ है उसमें एक बाल से कितने निकले हैं? इसमें 58 निकले, 58 दाने एक बाल से निकले हैं। तो आइडिया आप यहीं से लगा सकते हो कि एक बाल में 36 दानों का फर्क है। तो इससे ये क्लियर होता है, ये प्रमाण होता है कि जब इसकी कटाई आज से हफ्ते या 10 दिन के बाद होगी, हम उसकी तब भी वीडियो शूट करेंगे, तो 100% 3 से 4 क्विंटल या 5। मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों से, भाई सभी इस ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें और अपने खेत की जो यील्ड बढ़ाएं और उसकी सेहत को सुधारें। और शेखर जी, हमारे को ऐसा भी लग रहा है, अंकल जी भी जैसे हमारे पास खड़े हैं, काफी एक्सपीरियंस है, हाँ जी हाँ जी, मेरे को ऐसा लग रहा है अंकल जी की तूड़ी भी जो इस खेत से है वो ज्यादा निकले। मैं पता क्या पंडित जी, जैसे आपका फोन आया ना जी, 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 भाई साहब का, मेरे चाचा जी हैं जी, जी हम मेरे परिवार में सबसे बड़े हैं इस टाइम, मैं अपने चाचा जी को साथ लेके आया, साथ लेके आया, इसलिए क्यों, इनको तजुर्बा ज्यादा है जी, इनकी तो हमारे से 22 साल ज्यादा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम मान ले हमारा जन्म हुआ था, ये तो जवान हो चुके थे उस टाइम, खेती करें, इनको तजुर्बा ज्यादा है, इसलिए मैं इनको लेके आया साथ में, मगर जी भैया अपना वो संजय, मगर इन्होंने भी सर इस चीज को पास किया है हमारी, बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं चाहूंगा सतबीर जी एक ऐसे एक वो निकालना वहां से, अच्छी बढ़िया। तो ये जो है, ये जो नाली है, ये पेस्टिसाइड जिसमें डला हुआ है उसकी है, और अभी हम अपने खेत की निकाल लो, कोई नाली का ही मिलान कर लो सर, दिन रात का फर्क है। ये देखो सर, 100% इसमें से एक एकड़ में से 2 ट्राली के लगभग तूड़ी फालतू निकलने वाली है, वो भी एक किसान की बचत ही होगी, हमारा जो खर्चा आया वो तो तूड़ी तूड़ी से शेखर जी निकल जाएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ इस चीज का, और सबसे ज्यादा सतबीर जी और सुखविंदर जी भी एक बार आएंगे, ये मेरे भाई साहब हैं, ये सतबीर जी और सुखविंदर जी के कहने पे इन्होंने ट्रीटमेंट किया, और जगदीश जी आए दादूपुर गांव से, ये भी मेरे साथी भाई हैं, बड़े भाई, सारे के सारे हमारा एक परिवार ही है, तो मिलके इस मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं थैंक्स करता हूं कि इतना सब कुछ हमारे को दिया प्रिजम सक्सेस एकेडमी ग्रुप ने, और आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को देख के घर मत बैठिए, अभी सीजन चला हुआ है, किसानों को आपकी जरूरत है, आप ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास जाइए और उनको प्रेरित करिए, प्रेरित कीजिए कि वो ऑर्गेनिक की तरफ अपनी फसल को लेके जाएं, उनसे मिलिए, उनको आपकी जरूरत है, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग किसानों के पास जाएं, हमारे पास इतने बेहतरीन रिजल्ट है, हमारे पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो जब हम उनसे जाके मिलेंगे, उनको बताएंगे, तो 100% हम ऑर्गेनिक की तरफ उनको लेके जा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, थैंक यू वेरी मच।